जापान की एक कंपनी ने बुधवार को चांद पर अपना अंतरिक्षयान उतारने की कोशिश की, लेकिन मून लैंडर से संपर्क टूट गया है। आशंका जताई जा रही है कि मून लैंडर क्रैश हो गया है। अगर कंपनी को चांद पर अंतरिक्षयान उतारने में सफलता मिल जाती तो आईएसएसएस ऐसा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी होती। अब तक केवल रूस, अमेरिका और चीन को चांद की सतह पर अंतरिक्षयान उतारने में सफलता मिल पाई है। आईएसएसएस के संस्थापक ताकेशी हकामादा ने संपर्क टूटने के बाद भी उम्मीद बरकरार रखी कि लैंडर 33 फीट नीचे उतरा था। हकामादा ने कहा कि वे अगले साल फिर से कोशिश करेंगे। जापान से पहले इजराइल की एक गैर लाभकारी संस्था ने 2019 में चांद पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अंतरिक्षयान नष्ट हो गया था। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के निदेशक लॉरी लैशिन ने ट्वीट किया, यदि अंतरिक्ष कठिन है तो लैंडिंग कठिन है। मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि ये कितना भयानक लगता है। लैशिन ने नासा के मार्स पोलर लैंडर पर काम किया था, जो 1999 में मार्स प्लैनेट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 7 फुट जापानी लैंडर संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक मिनी चांद रोवर और जापान से एक खिलौना जैसा रोबोट ले गया था, जिसे लगभग 10 दिनों के लिए चांद की धूल में घूमने के लिए डिजाइन किया गया था। जापानी कंपनी के अंतरिक्षयान ने दिसंबर में चांद का एक लंबा गोल चक्कर लगाते हुए रास्ते में पृथ्वी की तस्वीरें ली थी। लैंडर ने 21 मार्च को चांद की कक्षा में प्रवेश किया था। उड़ान नियंत्रक ये पता लगाने में सफल हुए कि लैंडर सीधा था, क्योंकि उसने अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया था। आईएसएसएस के अनुसार इंधन गेज की निगरानी करने वाले इंजीनियर्स ने देखा कि जैसे ही टैंक खाली हुआ, लैंडर ने गति पकड़ ली और कम्युनिकेशन खो दिया। यही उन्हें विश्वास दिलाता है कि लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।